हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बितंकुर में। पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो लगातार गुड न्यूज पे गुड न्यूज देखने को मिल रही है वैकेंसीज के रिगार्डिंग। चाहे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे पीएनबी हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, अभी 2-3 दिन बाकी हैं और इन 2-3 दिनों में अभी और वैकेंसीज भी बिल्कुल देखने को मिलेंगी। और कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें लास्ट टाइम पर वैकेंसीज देखने को मिलती है, और जैसे जैसे वैकेंसीज इंक्रीज होती जाएंगी इसका सीधा इम्पैक्ट हमें कट ऑफ पर देखने को मिलेगा। तो उन स्टूडेंट्स के भी काफी अच्छे चांस रहेंगे जिनका कट ऑफ से मार्जिन ज्यादा नहीं है। तो जिनका कट ऑफ से डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो ये मत सोचना कि हमारे चांसेस बिल्कुल कम है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा रहा है तो बिल्कुल आपके चांसेस बने हुए हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट देखने को मिले हैं कि सर आईबीपीएस पीओ में तो वैकेंसीज इंक्रीज हो रही हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज भी देखने को मिल रही हैं, आईबीपीएस क्लर्क का क्या सीन है। तो आईबीपीएस पीओ के साथ साथ आईबीपीएस क्लर्क में भी आपको एक अच्छा नंबर वैकेंसीज का बिल्कुल देखने को मिलेगा। इसलिए उम्मीद बरकरार रखें, आने वाले जो 2-3 दिन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। बाकी जिनका आईबीपीएस पीओ का फाइनल रिजल्ट आना है एक बार आप कमेंट में जरूर बताएं कि मेंस की कट ऑफ से आपके कितने नंबर की लीड है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।